नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। जातीय जनगणना को सीएम नीतीश कुमार प्रदेश की जरूरत बता रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने बिहार विधानमंडल में दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा था और विपक्ष ने भी सहमति जताई थी, लेकिन इन सब के बावजूद केंद्र सरकार ने इसको निरस्त कर दिया। और अब एक बार फिर से बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो इस बात को लेकर अपील कर रहे हैं कि इसको ठुकराया नहीं जाए और इस पर एक बार फिर से पुनः विचार किया जाए। और केंद्र सरकार ने इसको निरस्त करते हुए कहा था कि नहीं, सिर्फ SC ST का ही होगा, लेकिन अब नीतीश कुमार का ये मानना है कि नहीं, ST SC वालों का ही नहीं, सारे जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे उनको भी ये पता चल सके कि उनकी आखिर संख्या कितनी है। तो सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोगों का जो विचार है वो आप जानते हैं, 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इन बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था, कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई ये हम लोगों का है और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी, तो हमारी तो हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए और उस सब के हित में। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ST SC के अलावा गरीब गुरबा लोगों की भी जातीय जनगणना होगी, जिसमें ये पता चल पाएगा कि उनकी आखिर संख्या कितनी है। और संख्या जानने के बाद हम उनके उद्धार के लिए सोचेंगे, उनके उद्धार को विकसित करने के बारे में सोचेंगे। साथ ही हम आपको ये बता दें कि तेजस्वी यादव जो है उन्होंने भी हमलावार किया था कि जब हाथी घोड़ा ऊंट सब चीज़ों की जनगणना हो रही है तो फिर जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR।